आपको बताया था उस दिन कि सिर्फ परमाणु वैज्ञानिक जो ईरान का जो मारा गया है उस पर ईरान बौखला उठा है और ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी है। इस पर ईरान ने के जो सुप्रीम नेता हैं आयतुल्लाह खली खमनेई, उसने उसके एक सलाहकार ने कहा है कि ईरान इस हत्या का सटीक और निर्णायक जवाब देगा, जबकि वहीं के कट्टरपंथी समाचार पत्र ने कहा है कि यदि इजराइल ने परमाणु विज्ञानी की हत्या की है तो ईरान को इजरायली बंदरगाह शहर हाइफा पर हमला कर देना चाहिए। यानी मिडिल ईस्ट में तनातनी का जबरदस्त माहौल है। केहान नामक अखबार लिखता है कि हमला इस तरह से किया जाना चाहिए उससे न केवल रक्षा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचे बल्कि भारी जनहानि भी हो, यानी इजरायली लोगों को मारने का भी योजना ये बना रहे हैं। और विदेशी मामलों से संबंधित ईरान रणनीतिक परिषद के प्रमुख कमाल खराजी ने कह दिया है कि ईरान से मोहसिन फखरीजादेह, जो वैज्ञानिक परमाणु ईरान के परमाणु बम के जनक थे, फादर थे, का बलिदान लेने वाले अपराधी को हम निसंदेह सटीक और निर्णायक जवाब देंगे। और इसमें इजराइल और पश्चिमी देश फखरीजादेह को ईरान की गोपनीय परमाणु हथियारों का मास्टरमाइंड फादर बताते थे। और जब उनका असैसिनेशन ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया, घात लगाकर उन पर जो है गोलीबारी हुई जिसमें उसकी हत्या हुई, तो वो आरोप इजराइल और उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद पर मढ़ा गया है। मैंने पिछली बार भी यही कहा था इसलिए कंफर्म कि उसके मंत्री ये बात कह रहे हैं, मढ़ा गया है। ईरान 2010 से ही अपने कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर ही लगा रहा है। कुछ लोग मुझे हरे जो हमारे हरे पड़ोसी मलेच्छ देश के लिए कह रहे थे, उसकी इतनी ताकत नहीं। उधर सीरिया ने भी ईरान के वैज्ञानिक की हत्या के मामले में ईरान का साथ देने की घोषणा किया है। सीरिया के विदेश मंत्री फैजल मिगदाद ने ईरानी राजदूत से मुलाकात किया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी निंदा करे और नहीं तो हम लोग जो है कदम उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे आतंकवाद विरोधी प्रयासों को आगे बढ़ाने के मामले में एक जो है अड़चन जैसा माना है और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से कहा है कि आप शांति बनाए रखिए। और इस मामले में जी बाकी देश भी जो मिडिल ईस्ट के हैं वो उज्ज्वलित हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला बन गया है। ये दिखता था हल्का मामला लेकिन ये हल्का मामला है नहीं। ईरान का प्रमुख वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक मारा गया है, इजराइल पे आरोप है, मिडिल ईस्ट उबल रहा है। ये मैं सिर्फ आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, कोई विचार नहीं दे रहा हूँ इसमें, और इसलिए इस पे हम नजर रखते हैं कि आगे क्या होता है।